कंप्यूटर की डिटेल स्पेसिफिकेशन जानने के लिए सीएमडी ओपन कर सकते हैं हम पहले। सीएमडी का कलर ऐसे चेंज करने के लिए एक वीडियो मैंने बनाया है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सीएमडी ओपन करने के लिए यहाँ पर आके सीएमडी लिख के एंटर देने से सीएमडी ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सिस्टम इन्फो, स्पेस नहीं देना है, सिस्टम इन्फो, देन एंटर। इतना टाइम नहीं लगेगा, मेरा बहुत सारा काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा स्लो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका डिटेल स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है। कभी कभी आपको वर्चुअलाइजेशन ऑन है कि नहीं ये जानने के लिए आपको बायोस सेटिंग्स ऑन करना पड़ता है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका वर्चुअलाइजेशन ऑन है कि नहीं। उसके बाद अगर हम लोग और भी डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहते हैं तो हम पावर सेल की मदद ले सकते हैं। पावर सेल में लिखना है गेट, कंप्यूटर इन्फो, देन एंटर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर ये सीएमडी में जो इंफॉर्मेशन है मिलता है उसका थोड़ा और डिटेल्ड है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आपका जो हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है और जो ड्राइवर्स इंस्टॉल है इसके बारे में टोटल इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कंपोनेंट बेसिक्स में, तो आपको विंडोज़ की दबा के आर प्रेस करना है। उसके बाद आपको लिखना है ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर MS Info 32, उसके बाद ओके प्रेस करना है। ये आपको यहाँ पर सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है सारे यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट्स जो है और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप मेमोरी में क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जो मेमोरी यूज़ कर रहा है डिवाइस और डिवाइस का जो स्टेटस है ये भी आप देख सकते हैं कि ठीक है, कोई अगर मिसबिहेव कर रहे हैं तो। साउंड डिवाइस है, आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं यहाँ पर, सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा।